जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने शहर का दौरा किया। नगर निगम की ओर से किए जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर शहर की सड़कों पर की गई व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान नगर निगम समेत पूरा प्रशासनिक अमला उनके साथ रहा। कलेक्टर ने कहा कि जयपुर की रोशनी देखने के लिए सैलानियों का आना जाना बना रहता है, इसलिए आने वाले मेहमानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दीपावली का त्यौहार है, शहर में भीड़भाड़ है, ऐसे में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित प्रशासनिक स्तर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निकले हैं। हमारे साथ जिला कलेक्टर प्रकाश राज जी हैं। सर, किस तरह का दौरा है, क्या कुछ तैयारियाँ? ये दीपावली का त्यौहार आ रहा है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार, चूँकि इस बार कोविड के बाद दीपावली है और देशी विदेशी पर्यटक जयपुर में बहुत आएंगे, तो उसमें हमने गत दिनों बैठक भी ली थी और आज जो बैठक में इश्यूज आए थे कि दीपावली में और कैसे अच्छी साज सजावट कर सकें, छोटे छोटे इश्यूज हैं विभागों से संबंधित, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, इसलिए आज सभी विभागों के अधिकारी, हम लोग और साथ में व्यापार मंडल के प्रतिनिधिगण, सभी बाज़ारों के, ये सब हम लोग दौरा कर रहे हैं और छोटे छोटे, चाहे साफ सफाई से रिलेटेड, पैचवर्क से रिलेटेड या कोई बिजली से रिलेटेड, ये सारे इश्यूज़ हैं, सब लोग अवलोकन करा रहे हैं व्यापार मंडल को। तो सबका उद्देश्य ये कि इस बार दीपावली जैसी उम्मीद है लोगों को, उससे भी अच्छी साज सजावट, रंग रोशनी जो जयपुर की प्रसिद्ध है, तो वैसे ही उसमें अच्छा निखार आए और अधिक से अधिक लोग आकर यहाँ पर, चाहे देशी विदेशी पर्यटक हों या लोकल लोग हों, यहाँ पर आकर दीपावली में आनंद ले सकें। सर, जयपुर की रोशनी काफ़ी फेमस रही है दिवाली को लेकर, ऐसे में देशी विदेशी पर्यटक और राजस्थान के भी लोग उमड़कर राजधानी का दौरा करते हैं, रोशनी देखने के लिए आते हैं, ऐसे में अतिक्रमण की समस्या एक बड़ी समस्या है। जी हाँ, बिल्कुल, तब ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस वो भी साथ में है और नगर निगम के भी साथ में लोग हैं, जहाँ जहाँ पर नोट करा रहे हैं ट्रैफिक की समस्या, वहाँ पर अस्थायी अतिक्रमण कैसे ना हो और लोगों का ट्रैफिक आवागमन सुगम हो, ये सारी व्यवस्थाएं भी पुलिस और नगर निगम द्वारा देखी जा रही है। दिवाली का त्यौहार सर हर क्षेत्र में बड़े रूप में मनाया जाता है, खासकर मिठाइयों का वितरण इस त्यौहार पर ज़्यादा होता है, ऐसे में मिलावटखोर भी इस त्यौहार पर पूरा फोकस बना के रखते हैं, क्या सर? जी, पिछले लगभग 8-10 दिन से शुद्ध के लिए अभियान चल रहा है, जिसमें लगातार टीमें जाकर जो मिलावटखोरों के यहाँ पे कार्रवाई कर रही है। पिछले कई दिनों में चाहे नकली घी हो, नकली तेल हो या फिर पनीर दूध वगैरह, ये सब में कार्रवाई काफ़ी की है टीमों ने और लगातार ये कार्रवाई दीपावली पर्व तक जारी रहेगी। सर, आपका जो दौरा है दिवाली के त्यौहार को लेकर शहर का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में अधिकांश से ये होता है कि आपका रोड मैप जो है पहले से तैयार था, शेड्यूल था, तो सभी अधिकारियों की नज़र में जो रोड मैप है तो वेल सेटल या व्यवस्थित जो रोड मैप है उसी क्षेत्र को दिखाया जाता है, बाकी गलियों को अगर देखें तो अव्यवस्थाएँ वहाँ बहुत अधिक होती हैं। जी, हमने व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी साथ में ही हैं, तो जो भी समस्या आ रही है कहीं पर भी वो साथ में ले जा रहे हैं, तो दोनों ही इसमें प्लान और अनप्लान दोनों ही चीज़ें हैं, चूँकि व्यापार मंडल के लोग अपनी समस्याएँ भी बता रहे हैं और कुछ हिस्सा प्लान भी है टूर में। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित राजधानी के दौरे पर निकले हैं, शहर का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में दिवाली के त्यौहार के चलते शहर में बड़ी भीड़ और देशी विदेशी पर्यटकों का आने की वजह से भीड़ होने की उम्मीद है, जिसके चलते अतिक्रमण हो या शहर की रोशनी की व्यवस्थाएं हो, शहर का डामरीकरण हो, सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने में जुटे हैं और अधिकारी एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर शहर का दौरा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ दिनेश तिवाड़ी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।